हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तय्यबा आ गई, तो हुज़ूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान, एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तय्यबा के पास आती तो हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरा मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे, वो बच्ची पहनती थी। तो कहती हूँ, बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है? मुलाजमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी, मेरी इज्जत इतनी ख़राब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया, पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया, अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफ़ियाँ मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जिसना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई, तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहाँ कार्रवाई की, अब एक अदालत कयामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को तकलीफ़ दी होगी ना, तो कयामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। वो खातून अर्ज करती है सैयद आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी, मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे, अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की, मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है, वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही ले के वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए, लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता, तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है।